हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज आपको हम घातांक और कर्णी के इस आठवें पार्ट में बताएंगे कि इनके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले 7 पार्ट दे चुके हैं, नहीं देखे तो जाके देखिए। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी रूल हैं, जितने भी फार्मूले हैं, सब दिए हैं, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा पढ़ने। एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं। किसी भी एग्जाम में यदि इससे क्वेश्चन आ गया घातांक और कर्णी से, तो छूटेगा नहीं। चुटकियों में सॉल्व करेंगे, किसमें? चुटकियों में, चाहे SSC का हो या रेलवे का हो या किसी भी एग्जाम, ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। समझ रहे हैं ना? जितना ही अध्ययन करेंगे उतना ही कन्फ्यूजन होगा, अध्ययन नहीं करेंगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। काम करेंगे तो गलती होगा, नहीं करेंगे गलती नहीं होगी। बात देखिए, तो पढ़िए, पढ़ने में कन्फ्यूजन होगा लेकिन जब पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा धीरे धीरे। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। यह एग्जाम्पल लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सब दे देगा अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 60 प्लस अंडर रूट 84 प्लस अंडर रूट 140 बराबर दिया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी। तो बताइए आप भैया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, बता सकते हैं? जी बता सकते हैं, बहुत आसानी से। देखिए इसको हम तोड़ेंगे, ये जो आपका है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जो 15 इसका मान, इस प्रकार से इसको तोड़ना आ जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से तोड़ना है, तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ठीक, यहाँ आप देखिए पहले इसको हम लिख लेते हैं 15, 60 को हम तोड़ेंगे किसे, 4 × 5 × 3 कर सकते हैं, 4 × 5 = 20, 20 = 60। इसको तोड़ेंगे हम, इसके लिए तोड़ेंगे ये 4 × 3 × 7, 4 × 3 = 12 बढ़ते 84 प्लस 140 को तोड़ेंगे हम कैसे, 4 × 7 × 5 7 × 28, 28 × 5 = 140। जैसे भी आपको गुणा करना, बराबर क्या, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी। अब बताइए जरा, 4 यहाँ पे है, अगर बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 15 + √5 × 3, क्यों, 4 2 का स्क्वायर है और 12 आएगा तो 2 बचेगा, प्लस ये 2 √3 × 5 = √√a + √b + √c। देख रहे हैं। अब यहाँ से चाहे तो सब में से दो कॉमन ले लीजिए, या ये देखिए क्या है, ए है, सॉरी ये क्या टू है, ए बी है, और ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, ये क्या है सी है, ये क्या है ए, टू ए बी, टू बी सी, टू सी है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए बराबर क्या होता है, a + b + c² होता कि नहीं? अगर नहीं होता है तो कहाँ नहीं होता, होता है। अलजेब्रा में बताए हैं, ये अलजेब्रा का फार्मूला है, वहाँ बताए हैं, जाके देखिए। अब इस टाइप बना, 15 को हम कर सकते हैं √3 √5, कोई दिक्कत नहीं, प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, तो 3 = 5 = 7
15 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 3 का स्क्वायर 3 रूट में है तो रूट हट जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 15 आएगा नहीं, 15 यानी ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 15 का जो मान है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, बाकी 2ab 2bc 2ca। देख रहे हैं नहीं आप, 2ab 2bc 2ca। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या सकते हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट। ठीक, अब जब स्क्वायर लगाए तो रूट से बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर होगा तो इसको हम ब्लैक से लिखते हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी अंडर रूट। देखिए यहाँ बच्चे लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ से तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, ये हो गया। इसको हम कर देंगे, चलिए इसी में डालते हैं, ये फार्मूला आप कर लीजिएगा, फार्मूला जानते हैं ना। चलिए कैसे हो, देखिए यहाँ से तुलना करने पर, तुलना करने, तुलना कर देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5, बी बराबर 3, सी बराबर 7। जब ए बी सी का मान निकल गया तब तो निकाल सकते हैं, तब तब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 7 बराबर क्या आ गया, 5 3 8 7 15 आ गया। क्या गया ये, क्या हो गया आंसर, हो गया क्या, हो गया आंसर, हो गया ब्लैक ब्लू ब्लैक। ये क्वेश्चन समझाया, बहुत आसान था कि नहीं, आसान था। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया इसके रूप में, क्यों क्वेश्चन को आप देखिए थोड़ा सा, आप दिमाग लगाइए किसके रूप में टूटेगा, क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना, तब फिर लगाइए, ऐसे सोचते रह जाएंगे नहीं तो। आप देखिए किसी का सेट बैठ रहा है नहीं, किसी फार्मूले पे ये बैठ रहेगा, टूटेगा, और टूटेगा तो तोड़ो तब करिए। हमने तोड़ दिया फिर बना दिया, बना दिया। चलिए इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए आराम से, छापी कोई दिक्कत नहीं है, छापिए आराम से। कर लिए, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन जो होगा दे देगा अंडर रूट, अंडर रूट 86 माइनस माइनस 60 अंडर रूट 2 इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट। तो यदि ये बराबर ये है दे देगा तो बताइए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ये दे देगा ना तो यहां से ए प्लस बी बराबर पूछ सकता है, ए इंटू बी पूछ सकता है, चाहे ए प्लस बी कहेगा या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहेगा या ये पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है, ये देने के बाद ना इस टाइप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, होल क्यूब क्या होगा, सब चीज़ वही निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम ए और बी का मान निकालेंगे हल करके, फिर जो भी पूछेगा हम लगा देंगे, लगा देंगे। कैसे लगाएंगे इसका, हम निकालेंगे वर्गमूल, क्या निकालेंगे वर्गमूल। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, वर्गमूल बताएं कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे बताएं पाँचवें पार्ट में। ये देखो 86 जो है, 86 लाने दो, इसको तोड़ देते हैं हम, 2 × 30 गुड़े रूट कर सकते हैं नहीं। अरे भैया देखिए जैसे अगर आप मान लीजिए 2√2 है, इसको हम 2 × √2 ले सकते हैं, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई रहता है तो यहाँ पर 60√2 है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए ये हो गया बराबर ए माइनस बी अंडर रूट 2। अब देखिए इसको तोड़ेंगे क्योंकि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा उसी रूप से, इसको तोड़ेंगे हम।
अब जो पी से रूट टू है इसको इस प्रकार से ए और बी के रूप में तोड़ दीजिए कि उसका वर्ग उनके वर्गों का योग 86 आ जाए। क्या आ जाए? 86। देखिए इसे हम तोड़ देते हैं, 6 × 5√2 क्यों? 6 × 36 इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 5√2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे 25 × 2 बराबर क्या 50 आया, 50 आ गया और इसे कितना आ गया 36 आ गया। तो उनके वर्गों की 50 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा 86 आ गया। सही है, तो ये ए लेते हैं, ये क्या लेते हैं बी, इसको तोड़ देंगे 6 × 5√2 बराबर ए माइनस बी रूट। अब जो ये दिख रहा है इसको हम लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी। अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम जानते हैं फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यदि बी बड़ा है ए से तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। बताइए ए बड़ा है बी बड़ा है, 6 बड़ा है 5√2 बड़ा है, बताइए कैसे बताएंगे? हम बता रहे हैं यही आपका है जो ए बराबर है 6, बी बराबर क्या है 5√2। यहाँ देख रहे हैं मान, जो मानक लिया गया है यहाँ पे, जो मानक लिया गया है ये नहीं बस यही भाई लोग आप लगा देंगे, नहीं ये मानक लिए तो इसका इसको हम सकते हैं √36। इसको क्या सकते हैं 5 × 25 = 50 √50 रहेगा, तो √50 बड़ा है √36 बड़ा है 50 बताइए √, ये बड़ा है तो अगर ये बड़ी है क्या ये बड़ा है इसको लिखेंगे हम 5√2 − 6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो आप इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। अब जब स्क्वायर लगा है फार्मूला हम बताए हैं कि यदि किसी संख्या के पर स्क्वायर लगा तो रूट हट जाता है, केवल संख्या बचती है, तो यहाँ पर बचेगा 5√2 − 6 इक्वल टू ए माइनस बी रूट। अब क्या करेंगे? तुलना करने पर ऐसे भी आपको लिखना है, तुलना करेंगे तो √2 वाले से इसका तुलना इसे करेंगे, इसका तुलना इसे करेंगे, ठीक है ना? तुलना सेम किया जाता है सेम से। तो बताइए 5√2 = −b√2 तो √2 से √2 कट गया, बी बराबर 5 − b और बी बराबर क्या हो जाएगा −5। बी बराबर या इसको आप लिख सकते हैं बी बराबर इसका घुमा दीजिए, बस क्या कर दीजिए घुमा दीजिए एंड इसे मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं। देखिए ठीक ये सब मिटा दिए, बी हो गया। अब ए वाला करेंगे तो −6 = a, तो ए बराबर क्या कर सकते हैं −6 कर सकते हैं कि नहीं, ए बराबर माइनस ओ आर आर, ए बराबर −6 या ए बराबर माइनस, इस −6 बराबर है या ए बराबर माइनस से बात देखिए, ए का मान आ गया बी का मान आ गया तो इसका मान निकाल सकते हैं कि नहीं, धड़ाके से निकालेंगे कैसे, धड़ाके से। अब देखिए अब जो है √a² + b² बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना −6 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 5, −5 है ना, −5 का स्क्वायर। किसी भी संख्या का यदि कोई संख्या निगेटिव है उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आता है, किसी भी संख्या और निगेटिव है तो हमेशा उसका वर्ग क्या होता है पॉजिटिव होता है, चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव और वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 36 + 25 ये आ गया 6 × 5 = 11 5 × 6 = 61 ठीक है ना, ये आ गया आपका √a² + b² या इसका मान निकालना चाहते हैं कर दीजिए 7.8 आएगा लगभग, इसका मान जो आएगा लगभग a² + b²
नहीं, ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर इसकी वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमने इसका क्या किया, वर्गमूल निकाला, फिर तुलना कर दिया ए और बी से, फिर ए और बी का वैल्यू निकली, ए की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर रख करके सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जो भी आपको दिया ऑप्शन, ऑप्शन ये रहेगा ये क्लिक कर देंगे, यदि क्लिक कर देंगे ऑप्शन देगा, चार में से कुछ भी एक ऑप्शन होगा तो हम कर देंगे कि नहीं कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और बताएंगे, एक क्वेश्चन और बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, करिए इसको आराम से छापिए, नोट कर लिए। अब देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, तीसरा, इसके बाद जो क्वेश्चन बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीन साफ ले लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, बहुत ही आपके पास सिस्टम है। दे दिए, मान लीजिए अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 2 इंटू 51, 15 दे दिया, 15 वो भी आपको हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, वो भी हो जाता। ये देखिए बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी दे दिया, कहेगा जहां 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 ए एंड बी पूर्णांक संख्या है, कौन संख्या, पूर्णांक संख्या है, तो रूट ए बी, रूट ए बी का निकटतम, क्या निकटतम मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना, निकटतम मान। इसके पहले हम निकटतम मान बता चुके हैं सातवें पार्ट में, ठीक है ना, सातवें पार्ट में बता चुके हैं। तो इसमें केवल आपको ए और बी दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए इसको हम लिखेंगे डाट, एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, लिख देंगे अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 51 सॉरी 51 बोल रहे हैं इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट, इसका क्या कर लीजिए, वर्गमूल निकालिए, इसका निकालिए, फिर तुलना करके ए और बी का मान निकाल लीजिए, हल कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ये आ जाएगा भैया। देखिए ठीक, इसको हम तोड़ेंगे 10 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 21 हो जाएगा। हम जानते हैं अंडर रूट ए गुड़े अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी होता है, तो ए बी को इस प्रकार और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, नहीं जहाँ जैसी हमको जरूरत होगी। तो रूट 21 को हमने इस प्रकार लिख दिया प्लस अंडर रूट ए प्लस 2 रूट 15 क्या लिखेंगे, 15 क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे गुड़े रूट 3 गुड़े रूट 5 बराबर रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस। अब ये क्या होता है, ये आपका ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ये क्या है 10 जो है ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कैसे, अगर रूट 3 के स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, 7 10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए हम बताएं कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही क्या होगी, उसको हम उसमें से घटाएंगे, बताइए ये ए है ये बी है, हमको तब ये ए लेना पड़ेगा, या यहाँ पर देखिए रूट 3 और रूट 7 में कौन बड़ा है, रूट 7 बड़ा है, रूट 7 बड़ा है, जो बड़ा है उसी के स्क्वायर में से घटाएंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर रूट 3 माइनस रूट 7 कर देंगे गलत हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 7 करेंगे क्या गलत हो जाएगा, निगेटिव वाले में ये झंझट है, पॉजिटिव वाले में ऐसा झंझट नहीं है, ऐसा झंझट नहीं। तो ये हो गया रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, अगर आप करते हैं रूट 3 माइनस रूट 7 का स्क्वायर तो दिक्कत हो जाती है, कैसे होता है हम बताया ना कैसे निकालते हैं पांचवें पार्ट में, ठीक है ना, बहुत विस्तार होता है। इसे क्या लिखेंगे, ये क्या ए बी है इसका प्लस बी स्क्वायर है,
रूट तीन के स्क्वायर तीन, पाँच स्क्वायर पाँच, पाँच तीन आठ, दोनों प्लस है, चाहे जिसको लिखिए चाहे जिसको आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिख दिया रूट तीन प्लस रूट पाँच का होल स्क्वायर बराबर रूट टेन प्लस प्लस में रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में रहेगा तो आपको ये देखना पड़ेगा ए बड़ा है बी बड़ा है, जो बड़ा हुआ उसके माइनस घटा के तब स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर देख रहे हैं कैसे, लेकिन सिंस रूट सेवन घटा देन रूट थ्री ये होता है। अब देखिए स्क्वायर लगा तो हट जाएगा, रूट सेवन माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव फाइव, बोलते कुछ लिखते कुछ ऐसे क्या हो जाता है भैया मैथ है। अब देखिए अगर इसको हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो रूट सेवन माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी, इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा जीरो हो जाएगा, कटेगा नहीं जीरो हो जाता है। तो रूट तीन प्लस रूट तीन माइनस रूट तीन खत्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका रूट सेवन प्लस रूट फाइव क्या बी कहाँ का आ रहा भैया इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी। आप क्या कहेंगे तुलना करने, क्या करने पर तुलना करने पर, तो जब तुलना करने पर भैया ए बराबर क्या सेवन एंड बी बराबर क्या फाइव, हम कहे थे ना पहले इन दोनों को वर्गमूल निकालेंगे फिर तुलना करके ए और बी का मान निकालेंगे, फिर जो भी पूछ रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी पूछ लेगा कोई दिक्कत नहीं है, सब निकाल लेंगे आराम से। तो करिए इसको करिए, चलिए अब निकालते हैं, निकाल लेते हैं भैया ठीक देखेंगे तब तब थोड़ा ऊपर लिखे थोड़ा वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी शायद, तब रूट ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो रूट ए बी मतलब क्या, ए बी मतलब क्या सात गुणे पाँच, सात गुणे पाँच यानी क्या पैंतीस, क्या पैंतीस निकटतम मान कहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे नहीं तो आंसर यही हो जाता, आंसर यही हो जाता, लेकिन निकटतम वैल्यू कहा है तो रूट पैंतीस का वैल्यू क्या होगी, जैसे रूट चार का दो होता है रूट नौ का तीन होता है, इस प्रकार से रूट दो का 1.414 होता है, रूट थ्री का क्या होता है 1.732 होता है, इस प्रकार रूट 35 क्या होगा, कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का रूट है उसका निकटतम मान कैसे निकालते हैं, नहीं देखे जाके देखिए वर्गमूल वाले टॉपिक बताएं, बहुत एग्जाम्पल एक बताएं बहुत विस्तार से बताएं, फिर हाल यहाँ भी एक बार बता देते हैं। पैंतीस को लिखेंगे, देखिए ये पैंतीस जो है पैंतीस पैंतीस किसके स्क्वायर से ज़्यादा है किसके स्क्वायर से कम है, तो भैया पाँच के स्क्वायर ज़्यादा है यानी पच्चीस और छः के स्क्वायर से कम है छत्तीस, ध्यान दीजिए कैसे निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अब हमको लिखना है जिसके स्क्वायर ज़्यादा है उतना प्लस, तो पाँच के स्क्वायर ज़्यादा है तो पाँच प्लस, पाँच प्लस। अब बताइए अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, पच्चीस पैंतीस का अंतर दस हो गया, अब इनकी इनके बीच का अंतर निकालेंगे पच्चीस छत्तीस के बीच ग्यारह का अंतर है, क्या ग्यारह भाग करेंगे फाइव प्लस जीरो पॉइंट नाइन वन आएगा लगभग, लगभग तो ये आ गया, जब ये आ गया देखिए ये आए अब जोड़ दीजिए फाइव पॉइंट नाइन वन, ये इसकी वैल्यू आ गई रूट ए बी, रूट ए बी ये क्या हो गया आंसर हो गया। इसको हम बॉक्स में घेर देते हैं, बॉक्स में इसका मान कैसे निकलता है नया, तो हमने पैंतीस जिस संख्या कहेगा उसके वर्ग उसके पहले कौन संख्या का वर्ग है उसके बाद कौन संख्या का वर्ग है लिख लेंगे पाँच और छः का, किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है पाँच और छः के बीच में, जिसके ज़्यादा है उतना प्लस, फिर एक बार इनका अंतर निकाल के बटे इनका निकाल के हल कर देंगे, हल कर देंगे यही था और कुछ नहीं था। इसका वैल्यू आ गया रूट पैंतीस का मान छत्तीस का होता है छः तो लगभग है इसलिए आ गया नाइन पॉइंट 5.91 ये हो गया। अब इसके बाद जो वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी, लेकिन उसी में इन रहेगा उसी में चैप्टर क्या हो जाएगा इन हो जाएगा खत्म हो जाएगा। समझ आ गई, अगर समझ आया हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए कर दीजिए भाई, चेक कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।